हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बता दें आपको रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता हो और जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो। यानी रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट एंड दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, और जो कल्चरली स्वीकार किया जा सके और आर्थिक रूप से यानी धन के माध्यम से इकोनॉमिकली इसे पाया जा सके, ये होता है रिसोर्स। इसके बाद से हम जानेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इसके इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरह का होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो जीवित चीजों से पाया जाता है, जो ऑर्गेनिक चीजों से पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, लाइव स्टॉक इसमें हम जानवरों को पालते हैं, या जंगली जीव हो गए या पेड़ पौधे हो गए, इसमें फ्लोरा और फाना आते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टबिलिटी। एडजस्टबिलिटी यानी खत्म होने के आधार पर ये कौन कौन से होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो हम आज यूज करेंगे तो कल भी हमें उस मात्रा में वो रिसोर्स मिल जाएगा, यानी वो खत्म नहीं होता। आज हमने जो यूज किया उतने ही मात्रा में हम कल यूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम एक बार खत्म कर देंगे फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, उसे लाखों साल लगे बनने में, इसलिए एक बार हमने यूज कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, फिर दोबारा वो नहीं बन पाएगा। इसका एग्जाम्पल बता दें आपको, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, अगर वाटर हमने यूज कर दिया फिर कल हम यूज कर सकते हैं, कल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने पेट्रोलियम का यूज कर दिया, अगर रिजर्व से पेट्रोलियम निकाल लिया या कोल निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, फिर दोबारा उस जगह पे कोयला या पेट्रोलियम नहीं बन सकता, क्योंकि उसे बनने में लाखों साल लगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकियत के आधार पर। इंडिविजुअल रिसोर्स चार तरह के होते हैं। पहला जो है वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रिसोर्स, यानी जो एक व्यक्ति का अपना होता है, किसी व्यक्ति की अपनी कंपनी जिसका लाभ उस व्यक्ति को जाता है, किसी एक व्यक्ति का अपना पोखरा, अपना तालाब जिसमें की मछलियां वो खुद खाएगा या उसे बेचेगा, उसमें किसी और का अधिकार नहीं होगा। या एक व्यक्ति का अपना गार्डन हो गया, अपने खेत हो गए, जिसका यूज वो खुद करेगा, उसमें किसी और का अधिकार नहीं है। उसी में दूसरा हो गया कम्युनिटी रिसोर्स, जिस पर एक गाँव का अधिकार होता है, एक विशेष कम्युनिटी का अधिकार होता है, जिसका यूज उस वो कमेटी कर सकती है या नहीं तो वो गांव कर सकता है। जैसे गांव का पोखरा हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, एक गांव का अपना कोई गार्डन हो गया या अपना कोई जगह हो गया, जिसे जिसका यूज वो कमेटी करेगी या नहीं तो उस गांव के लोग करेंगे। तीसरा है नेशनल रिसोर्स, यानी एक देश का, जिसका यूज उस देश के लोग ही करेंगे, बाहर देश के लोग नहीं कर सकते। जैसे एक देश के अंदर पार्क्स बने होते हैं, घूमने वाले जगह बने होते हैं, या तमाम तरह के साधन होते हैं जिसका यूज उस देश के लोग करेंगे, बाहर के देश उसका यूज नहीं कर सकते। चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में समुद्र आता है, ओशन आता है, एक देश से सटे, एक देश से जुड़ा हुआ 200 नॉटिकल माइल्स यानी 200 माइल्स की दूरी, एक देश से इंडिया से, मान लीजिए इंडिया से जो इंडियन ओशन है उससे 200 माइल आगे तक वो इंडिया का रिसोर्स होगा, और 200 माइल के बाद जो रिसोर्स बचता है वो होगा इंटरनेशनल रिसोर्स, उस पर किसी देश का अपना अधिकार नहीं होता। समझ में आ गया होगा, एक देश के बॉर्डर से जो समुद्र लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वहां से 200 माइल तक उस देश का रिसोर्स होगा, और 200 माइल्स के बाद जो रिसोर्स होगा वो इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, जिसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेस जो रिसोर्सेस हैं लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर हवा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन हवा का यूज हम नहीं कर पाए अभी तक। दूसरा है डेवलप्ड, यानी डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब वो पहले से डेवलप्ड है, तैयार है, लेकिन हमने उसके लिए अभी तक तकनीक की व्यवस्था नहीं की, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं की, हमने उसका उपयोग करना अभी नहीं सीखा है। जो तीसरा हो गया वो है वो स्टॉक, स्टॉक रिसोर्स,
यानी वह भी हमारे लिए रिजर्व स्टॉक और रिजर्व दोनों लगभग समान होते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों हमारे लिए पड़े हुए, दोनों हमारे लिए हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग अपने आने वाले समय में करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट और ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। हमें पता है कि हम रिसोर्स को नहीं बना सकते, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम बना नहीं सकते, जिसे बनने में लाखों साल लगे हुए हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम जब नहीं बना सकते तो उसका डेवलप कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उसको ग्रीडली यूज ना करें, लालच पूर्वक यूज ना करें, या इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना करें, अंधाधुंध यूज ना करें, या वो रिसोर्स किसी विशेष या कुछ कम ही लोगों के हाथ में ना हो, न होकर बहुत से पूरे समाज के हाथ में हो, पूरे देश के लोगों के हाथ में हो, तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जिसमें कोई लालच नहीं होता, जिसमें सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में नहीं होता, या इसमें इंडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं होता, सबको समान रिसोर्सेस मिले हो। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल होता है, जिसके जिसका यूज हम वर्तमान समय में करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ देते हैं, यानी हमने बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए, यानी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट वी लीव द प्रेजेंट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।